स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आरबीएल ऑनलाइन क्लासेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू आर केयरफुल ऑफ COVID-19 एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। टूडे आई विल एक्सप्लेन यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ आई विल टेल यू हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्लिक स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑल प्रोग्राम। क्लिक एमएस पावर पॉइंट। क्लिक एमएस पावर पॉइंट। इस प्रोसेस में पावर पॉइंट ओपन करेंगे स्टूडेंट्स। प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव एंड स्पेशल इफेक्ट प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका पावर पॉइंट एनिमेशन। व्हाट इज़ पावर पॉइंट एनिमेशन? तो एनिमेशन आर विजुअल इफेक्ट गिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। स्टूडेंट एनिमेशन हमारे जो भी वर्क है, फाइल है, प्रोजेक्ट है, उसको इफेक्टिव बनाते हैं। देन यू कैन एनिमेट टू टेक्स्ट, पिक्चर, शेप्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक एंड अदर ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन बाय अप्लाइंग साउंड इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट इंक्लूडिंग मूवमेंट। सो वी क्लिक एनिमेशन। एनिमेशन पे हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे किस टाइप से ये हमारे प्रोजेक्ट को है इफेक्टिव करता है। देखिए इस टाइप से हम इसमें इसको प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। सम जब हम इसमें स्लाइड शो का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए इनमें से एक को अप्लाई करेंगे इस पे। स्टूडेंट्स एनिमेशन इसी को कहते हैं, इसके अदर ऑप्शंस को ही एनिमेशन कहते हैं। जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, उसको एक इफेक्टिव बनाने के लिए हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। सेकंड फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे? फाइल को क्रिएट करने के लिए क्लिक होम बटन एंड न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए स्लाइड को हम चेंज भी कर सकते हैं। स्लाइड लेआउट में जाके स्लाइड को हम चेंज कर सकते हैं। रिसेट करेंगे यहाँ से स्लाइड को डिलीट करेंगे, न्यू स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आपके क्लोज शेप्स हैं, क्लोज शेप्स का भी हम इसी में यूज़ करेंगे। देन इस टाइप से सेकंड इस टाइप से स्टूडेंट्स। देन इसको हम सेव कैसे करेंगे? फर्स्ट हम अपना टाइटल इसमें नोट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप जिसके बारे में बताना चाहते हैं वो अपना टाइटल यहाँ पे नोट करेंगे। अबाउट टाइटल यहाँ नोट करेंगे। सेकंड इसमें चेंजिंग क्या चाहिए, ये ऑप्शन है। हालांकि मैं इनको आपको एमएस वर्ड में सारे ऑप्शन बता चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लास्ट हम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
देखिए इसे हम सेव कैसे करेंगे। सेव से क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम फाइल नेम को नोट करेंगे। फाइल नेम चेंज करने के बाद हम ये सिलेक्ट करेंगे कि हमें ये सेव प्लेस सिलेक्ट करना है। सेव प्लेस एज ए डेस्कटॉप प्लेस हमने सेव कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। देन सेव करेंगे। ये अभी जो हमने फाइल बनाई थी वही सेव हुई है डेस्कटॉप पे। इस टाइप से आप अपनी भी फाइल सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।